ये आ गया भाई आपका गुलाब जामुन की चाशनी, क्योंकि ये है गुलाब जामुन का पराठा। तो अब इसको टेस्ट करेंगे भाई और आपको बताएंगे टेस्ट कैसा। आलू मटर की सब्ज़ी है, कड़ी पालक है, साथ में कुछ सब्जी के साथ हम टेस्ट करते हैं। भैया एक आलू वाला मेरे को भी टेस्ट करा देना। ये देखो ये फूल गया, ऐसे भी सारे फूल जाएंगे बाकी के तीन भी। और ये दिल्ली से एकदम अलग रहता है। ये सज्जन आदमी जो दुनिया का प्रचार कर रहे हैं तो और भी अच्छा है, गरीबों का मसीहा बन के ही प्रचार कर रहे हैं। ये वाला प्याज और कैप्सिकम वाला एक साथ आठ पराठे रख दिए हैं, अब ये धीरे धीरे फूलेंगे और ये एकदम पूड़ियाँ बनते रहेंगे देख। तो भाई क्वालिटी, जी हाँ क्वालिटी पराठा जैसे नाम है ना भाई, वैसे ही भाई आपको देख सकते हो साफ सफाई है, बढ़िया है। भैया कितने प्रकार के पराठे मिलते हैं? तीन चार प्रकार के हैं। कौन कौन से बताओगे एक बार? मिक्स वेज है। अच्छा आलू है, पनीर है, मिक्स वेज है। देखो ये आलू का है स्टफिंग, ये मिक्स वाली है, ये पनीर की है, ये नीचे वेजिटेबल है, ये पनीर का है। और कितने बजे आते हो भैया सुबह? हाँ जी एक बजे आते हो। और दोपहर और कितने बजे तक रहते हो शाम के? साढ़े सात बजे तक पराठे, साढ़े दस रात के साढ़े दस। अच्छा मैंने एक चीज़ और सुनी है भाई, यहाँ पे सर्दियों में गुलाब जामुन पराठा भी मिलता है। क्या बात है भाई, गुलाब जामुन पराठा वैसे हमने कभी सुना नहीं है, बट आज बनते हुए देखेंगे कि बनता कैसे है। वो आकांक्षा जी खाएंगी, आगरा ईटर्स, क्योंकि ये आगरा की है और ये खाएगी। तो अभी देखो कि ये बनते कैसे, मेन चीज़ यह। अब ये देखो भाई ये स्टफिंग है, ये किस चीज़ की भैया? ये मिक्स वाला है भाई, ये रहा पनीर वाला, ये वाला प्याज और कैप्सिकम वाला है, वो रहा हमारा आलू वाला। और क्या क्या साथ में मिलता है मैं को ये दिखाता हूँ। ये है भाई इनका रायता, और ये दिल्ली से एकदम अलग रायता है, ये दिल्ली का तो बूंदी का रायता होता ना। और ये सब्जी कौन सी भैया? आलू मटर की सब्जी है। आलू मटर की सब्जी मिलती है पराठे के साथ, कड़ी और पालक। वाह भाई ग्रीन चटनी है। और ये है भाई, भैया क्या बात है यार, आपकी दुकान पे एक ही तरीके का अचार है, बाकी सबने तो भर 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 के रखे हुए। अच्छा और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया भाई, ये रायता एकदम अलग है, दिल्ली में नहीं मिलता ये वाला रायता। ये किसमें क्या मिक्स किया? खीरा और अंगूर। अरे वाह ये तो ट्राई करना बनता बस। वो देख अब वो बन गया तैयार, अब इस पर लगेगा ऑयल। शुक्रिया भाई, गुलाब जामुन लाया हमने, गुलाब जामुन पराठा बनाना हमारे लिए। ओ भाई साहब तो बहुत ज़्यादा डाल दिया, ये इतना ही डलता है? अच्छा ये पूरे आठ पराठे के लिए है। ये देख लो भाई साहब, वनस्पति घी, अमूल बटर और देसी घी, ये ऑन डिमांड आप जो बोलोगे उस ऑयल में बनेगा। बट अभी तक जितने भी हमने आगरा में पराठे बनाए ना, सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा काउंटर है इनका। और टेस्ट कैसा है वो तो मैं आपको खा के बताऊँगा। अब ये देखो भाई एक साथ आठ पराठे रख दिए हैं, अब ये धीरे धीरे फूलेंगे और ये एकदम पूड़ियाँ बनते रहेंगे देख। अभी देखता रहे, धीरे धीरे करेगा ना ये अपने आप ऊपर ऊपर हो जाता। ये देखो एक एक करके पूरा अच्छे से फ्राई हो रहा है। ये देखो ये फूल गया, ऐसे भी सारे फूल जाएंगे बाकी के तीन भी। ये देखो है कि नहीं, देखने में पराठे बहुत बढ़िया लग रहे हैं, नो डाउट। आलू मटर की सब्ज़ी है, कड़ी पालक है, साथ में कुछ सब्जी के साथ हम टेस्ट करते हैं। भैया एक आलू वाला मेरे को भी टेस्ट करा देना, इसमें से एक आलू वाला मेरे को दे देना। आलू वाला है इसमें? अच्छा सारे आलू की हैं। वाह भाई वाह, एक पराठे अब एक लगवाता हूँ मैं अपने लिए आलू वाला, और टेस्ट करके बताता हूँ आपको कि टेस्ट कैसा है। वाह भाई वाह, आलू मटर के साथ दे देना। अब एक ऐसा पराठा बनने जा रहा है जिसने मतलब मैं कह रहा हूँ कि शायद सोने के धरती हिल जाएगी है भैया। बट आप कह रहे हो कि यहाँ पे डिमांड है सर्दियों में इसकी? सर्दियों में सबसे ज़्यादा इसी की डिमांड होती है भाई। अब देख लो किस चीज़ की है, किस चीज़ की डिमांड है। अब आप देख लो वीडियो पूरी देखो एंड तक, टेस्टिंग भी होगी इसकी और ये पराठा बनता कैसे ये भी दिखेगा। किसी ने वीडियो वायरल कर, ओ भाई समझ गए, गुलाब जामुन पराठा बनने वाला है आगरा के अंदर, क्वालिटी पराठा वाले पे बनाओ भैया। एक्चुअली में मैं अगर बात करूँ ना तो फूड ब्लॉगर जो भी था जिसने भी ये बनवाया होगा ना भाई, उसको सिर्फ व्यूज़ की पड़ी थी, अदरवाइज़ ऐसा कोई पराठा होता नहीं है यहाँ पे। बट भैया कह रहे हैं कि उस वीडियो के बाद कुछ लोग आए खाने के लिए भी, तो विंटर्स के अंदर इसकी डिमांड है। अब कौन डिमांड करता है वो मैं नहीं जानता उन लोगों को। अब ये देख लो भाई गुलाब जामुन स्टफ्ड,
दो गुलाब जामुन डाले हैं और पराठा, ये क्या पराठे का रेट होगा? ये पराठे का रेट होगा 80 रुपये गुलाब जामुन हमारे या आपके? गुलाब जामुन इंक्लूड रहेगा। अच्छा, वाह भाई वाह, ये देख लो भाई, कोई कह सकता है इसके अंदर गुलाब जामुन है? अब इसको सही भैया, इसको किस में बनाते हो? देसी घी में? देसी घी में बनेगा ये? ये देखो भाई, देसी घी डल रहा है, अरे देसी घी के अंदर गुलाब जामुन पराठा बन रहा है। कोई बंदा जो गुलाब जामुन पराठा एक्चुअली सोच भी सकता है और खाने की भी बल्कि ट्राई कर सकता है, आगरा के अंदर आपको आना पड़ेगा क्वालिटी पराठा वाले पे। कहाँ पड़ता है ये? सदर में नन टॉकीज के जस्ट सामने डोमिनोज है, बिल्कुल वहीं पे पड़ जाएगा। अच्छा जी भैया, टाइमिंग क्या रहते हैं? टाइमिंग सर लंच में स्टार्ट हो जाती है 1 बजे से लेकर रात को 10:30-11 बजे। 7 डेज ओपन है? नहीं, कभी कभी हम लोग वीकली, मतलब वीकली तो नहीं, कभी कभी छुट्टी मार लेते कभी, बट वो कंफर्म नहीं है, मतलब 15 दिन में ही छुट्टी मकर ही देते। अच्छा, लो तो भाई क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर मुझे नहीं पता, बट मन्नी तेरी आंखें तो गई, मन्नी की आंखें तो गई, खतरनाक पराठा है। वाह भाई वाह, अब इसका हैप्पी बर्थडे हो रहा है गुलाब जामुन पराठे का। और इसके अंदर आप दो गुलाब जामुन डलवाओ या तीन, वो आपकी मर्जी है, उसके हिसाब से प्राइस है। ये गुलाब जामुन स्टफ्ड पराठा, गुर्जी बन गई है इसकी। अब इसके ऊपर वो चाशनी, ये आ गया भाई आपका गुलाब जामुन की चाशनी, क्योंकि ये है गुलाब जामुन का पराठा। तो अब इसको टेस्ट करेंगे भाई और आपको बताएंगे टेस्ट कैसा है। हाँ जी मैडम, गुलाब जामुन पराठा। तो चलो पहले ये ट्राई, ये सारे के सारे ऐसे नहीं, ये सारे का सारे गुना आगरा में क्यों हो रहे हैं? सारे गुना आगरा में ही होते, क्या करें। ये देखो भाई, इसके अंदर कितनी सारी चाशनी डाली हुई है। चलो ट्राई करके देखते हैं, बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी है। हमारे कुछ फूड ब्लॉगर्स भाइयों की देन है। हाँ एक्चुअली मैं, जिनको व्यूज चाहिए थे बेचारे। बहुत सही है, मतलब मेरे हिसाब से तो ये सही है, पता है क्यों? क्योंकि ना मालपुआ होता है वो बहुत मीठा होता है, तो वही वाला टेस्ट आ रहा है यार मुझे। एक्सपेरिमेंट अच्छा हुआ, ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है गुलाब जामुन पराठे के साथ। आप इसे चटनी के साथ खा सकते हो, बड़ा बेस्ट है सही में। एक बहुत टेस्टी है भैया, एक बार ट्राई करोगे? एक बार ट्राई करोगे? जनता को पता होना चाहिए ना, नहीं तो पता लगे, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं फूड ब्लॉगर झूठ बोलते हैं। क्या ये सही लग रहा है खाने लगे है? हाँ बढ़िया भैया, एक बार हो जाए। ये भाई कस्टमर आए हैं हमारे, कोई भाई बंधु नहीं है, ये एक बार खा के बता दो खाने लायक है। जब खीर के साथ खा रहे हैं तो इसको भी खा सकते हैं ना। ये बार भी सही है भाई, मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट सही रहा। हाँ, गुलाब जामुन पराठा वाला टेस्ट आ रहा है। हाँ बेहतरीन लग रहा है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। बढ़िया। तो भाई अगर आपको भी कभी आगरा आना हुआ ना आपका, या किसी भी शहर हो, तो ये एक बार बनवा लेना किसी पराठे वाले से और इसको ट्राई करके हमें बताना कैसा लगा। तो भाई मैं तो इस पराठे को ना पूरा खत्म करने जा रही हूं, और अब हम करते हैं वो वाले पराठे की टेस्टिंग। तो ये देखो भाई साहब, ये खा रहे दोनों, सर कैसा लगा आपको टेस्ट? बहुत ही अच्छा है, जैसे बाबूलाल के पराठे हैं। अच्छा, ऐसा इसका स्वाद है। मतलब पहली बार आ रहे हो यहाँ या आते रहते हो? आते रहते हैं। बढ़िया मैडम, हाँ तो खुद बनाते भी होगा, आपको पता है, मज़ेदार एकदम, सब्जी वगैरह सब बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, जैसे बाबूलाल का स्वाद है ऐसे। हाँ स्वाद है, तभी तो नाम है क्वालिटी ढाबा। बहुत ही अच्छा क्वालिटी पराठा ये है भाई पराठा, और ये एक्चुअली लग रहा है खाने लायक है कि नहीं? अभी हमने जो पहले बनाए हैं ना यहाँ पे, वो खाने लायक नहीं थे, वो तो देख के भी मेरे को कुछ हो रहा था। ये आ गया अंगूर वाला है, खीरा और अंगूर का रायता भाई, मैं पहली बार देख रहा हूँ। स्टफिंग देख ले, आलू का है, इनके पास मिक्स भी है, पनीर का भी है। तो हमने आलू वाला लिया है, वनस्पति घी में बनाइए ऑयल में, और आपके पास ऑप्शन है देसी घी का और बटर का। तो ये सब्जी लगी, और ये आएगा भाई बाइट। अच्छा सब्जी के साथ इनके पास ना कड़ी भी है, तो आप कड़ी भी ले सकते भाई, मज़ा आया यार, क्या बात है। शाम को फिर देखना है। हाँ शाम को लगेगी। वाह भाई वाह, बहुत टेस्टी है, मेरे हिसाब से आपको जरूर ट्राई करना है। एक बार ये अंगूर और खीरे का रहता। और गाइस पराठे हमारे भैया के साथ फोटो देना भैया, देख करेंगे बेस्ट। हमारे भैया जी बहुत ही अच्छे हैं, जो चैनल चला रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सबको दुनिया को दिखाते रहते हैं। शुक्रिया भाई, ये बहुत ही सज्जन आदमी है, जो दुनिया का प्रचार कर रहे हैं, तो और भी अच्छा है, गरीबों का मसीहा बन के ही प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई कोई वो नहीं है इनका, तारीफ करने लायक कि इतनी तारीफ की जाए तो उतना ही अच्छा है इनके लिए। शुक्रिया, ये बहुत ही अच्छे बढ़िया आदमी भैया, मेरे तरफ से आपको बहुत ही राम राम है।
नमस्ते कहो यार, राम राम राधा की। धन्यवाद भैया। भाई रायते के अंदर जो फ्लेवर आ रहा है ना हींग का, और हींग का फ्लेवर पराठों में भी आ रहा है यार, खाने में लग रहा है पराठे। रियली अमेजिंग। और सबसे बेस्ट पराठे हैं ये आगरा के। अगर आपको स्ट्रीट स्टाइल अगर खाना है तो यहाँ पे आओ, क्वालिटी पराठा, इसको एंजॉय करो और हमें बताना आपको कैसा लगा।